नमस्कार विकास, और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको बहुत बड़ा जानकारी देंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पोर्टल है उस पे बेनिफिशियरी स्टेटस जो हम लोग चेक करते हैं, नो योर स्टेटस जो यहाँ पे ऑप्शन दिखाया गया है, अपना स्टेटस जो हम लोग चेक करते हैं पीएम किसान का, उसमें एक नया अपडेट्स किया गया है जो कि बहुत ही बड़ा अपडेट्स है। चेक करने का तौर तरीका में बदलाव किया गया, नया अपडेट्स किया गया है। तो क्या कुछ अपडेट्स है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक आज ही ये नया अपडेट्स लाया गया है, तो जब तक आप ये नया अपडेट्स को नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि आपको अपना स्टेटस को चेक करने में आपको समस्या हो सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले करेंगे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाल रंग के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी कुंसन को दबाइए ताकि पीएम किसान का हर अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि पीएम किसान का और भी अपडेट, नया कुछ भी हो तो आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं नए अपडेट्स के बारे में। आप आपको कैसे चेक करना है पीएम किसान का अपना स्टेटस। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आप आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जो आपको पीएम किसान के साथ रजिस्टर्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होगा और यहाँ पे आपको कैप्चा डालना होगा और गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करके ओटीपी आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे ओटीपी विल बी सेंड टू योर ईकेवाईसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि आप कोई भी मोबाइल नंबर दिए होंगे लेकिन ईकेवाईसी करने समय जो आपने मोबाइल नंबर दिया है, ठीक है, पीएम किसान का ईकेवाईसी करने समय जो आप मोबाइल नंबर दिए हैं वो मोबाइल पे आपको ओटीपी जाएगा और उस पे ओटीपी जो आएगा 4 डिजिट का, उस ओटीपी को आपको डालना होगा। जैसे ही हमने गेट ओटीपी पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ओटीपी हैज़ बीन सेंड एट मोबाइल नंबर, यहाँ पे बाकी हाइड किया गया है और लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। यानी कि बता रहा है कि इस मोबाइल नंबर लास्ट का 4 डिजिट दिखा रहा है कि इस पर आपको ओटीपी गया है, यही रजिस्टर्ड नंबर है, इस पर जो ओटीपी गया है उस ओटीपी को आपको एंटर करना होगा, तब जा करके आप अपना स्टेटस को चेक कर पाओगे, ठीक है। तो 4 डिजिट का यहाँ पे ओटीपी आता है, तो चलिए हम ओटीपी को यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे गेट डाटा पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओटीपी मेरा गलत हो चुका है तो शायद हमने पुराना ओटीपी डाल दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे गेट डाटा पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा स्टेटस जो है वो खुल करके आ चुका है। तो ये एक नया अपडेट्स किया गया है, हालांकि इससे बीच में एक बार और इसे किया गया था, वो ओटीपी का मतलब कि लगाया गया था लेकिन उसे बीच में बंद कर दिया था, लेकिन फिर से आज से यहाँ पे अब ओटीपी आप डाल करके ही अपना स्टेटस को आप चेक कर पाओगे, नहीं तो नहीं चेक कर पाओगे, ठीक है। तो ओटीपी डालने का एक नया आपको यहाँ पे एक अपडेट सब आपको दिखेगा, ओटीपी आप डालेंगे तभी जा करके आप अपने स्टेटस को आप चेक कर पाएंगे, नहीं तो किसी का स्टेटस आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर से आप नहीं चेक कर पाओगे। अब उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि पीएम किसान का और भी अपडेट आपको आगे भी मिलता रहे। मिलेंगे जानकारी के साथ, आपका दिन शुभ हो।